Assalamu alaikum, dear student. This is 8th class history and I am your teacher Shabir Ahmed. Today we shall continue with the topic for class 8 history. तो history जो है इसमें हम आज जो continue कर रहे हैं topic हमारा जो chapter है chapter number 7 है civilizing the native educating the nation. नेक्स्ट नंबर टू है टॉपिक है ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट. देखिए ईस्ट वालों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने ब्रिटिशर्स ने कुछ गलतियाँ की. गलतियाँ क्या की, उन्होंने अपनी जो है इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करना चाहा. तो देखते हैं तो फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग. तो अभी तक हमने देखा कि कॉलब्रुक थे, जोन्स थे और या हेलेड थे, उन्होंने फेवर किया था ओरिएंटलिस्ट विजन को, यानी वो चाहते थे कि यहाँ के इंडियंस को हम इम्पार्ट करेंगे नॉलेज, एजुकेशन देंगे, उनको हम ऐसे पढ़ाएंगे कि उनको जो है वहाँ यहाँ की एशियन स्टडीज़ हैं, एशियन लैंग्वेजेस हैं, यहाँ के लोकल लैंग्वेज जैसे संस्कृत है, पर्शियन है, यही चीज़ें हम पढ़ाएंगे तो इससे वो हमारी तरफ रागिब हो जाएंगे. लेकिन इस सिलसिले में इस ओरिएंटलिस्ट विजन जो है इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई, यानी बहुत से लोग ऐसे थे, देयर वर मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थाट. तो वो क्या सोचते थे, उन्होंने ये कहा कि ईस्ट की जो नॉलेज है, यहाँ की जो नॉलेज है, इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं और ये अनसाइंटिफिक है. यानी वो यहाँ की नॉलेज को डाउनग्रेड करते थे, ये उसको अंडर एस्टिमेट करते थे. ये कहते कि हिंदी वगैरह यहाँ की एशिया की लोकल लैंग्वेज, लोकल नॉलेज जो है, ये इसमें गलतियाँ भरी हुई हैं, काफ़ी गलतियाँ हैं और इसमें साइंटिफिक कंसेप्ट भी ज़्यादा नहीं है. ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड. तो वो कहते थे कि यहाँ का लिटरेचर जो है नॉन सीरियस है और लाइट हार्टेड है, यानी ये मतलब जो स्टैंडर्ड लिटरेचर जिसको ये मानते थे वो नहीं मानते थे इसको. सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर. तो वो ये बिलीव करते थे, कहते थे कि नहीं ये तो गलत है, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा टाइम या ज़्यादा मेहनत स्पेंड नहीं करनी चाहिए इस यहाँ की लैंग्वेज को जो है इनकरेज करना. वो कहते थे कि यहाँ जब ब्रिटिशर्स अरबिक और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को इनकरेज कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं, ये यहाँ जो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इनको इसमें टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए, ब्रिटिश को खाली और ये जो है वेस्टर्न नॉलेज यहाँ पढ़ानी चाहिए. जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट. अब ये जेम्स मिल जो है ये ओरिएंटलिस्ट को इसने डायरेक्टली अटैक किया, उसने कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हो, यहाँ ओरिएंटलिस्ट नहीं, यहाँ ओरिएंटल नहीं, यहाँ वेस्टर्न नॉलेज पढ़ानी है हमको, यानी इंग्लिश नॉलेज हमें पढ़ानी है. द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच वॉट द नेटिव्स वॉन्टेड. तो उसने ये कहा कि ब्रिटिशर्स की कोशिश ये होनी चाहिए कि उन वो ये ना पढ़ाएं जो यहाँ के लोग चाहते थे. उम पर्णयुक्ति कि यूम यतिक लूख यसान छो और वट दे रेस्पेक्ट या तुम रेस्पेक्ट छो करन, यानी जो ओरिएंटलिस्ट थे उनका व्यू ये था कि यहाँ के लोगों को वो पढ़ाओ जो इनको पसंद है, जिसको ये चाहते हैं. मगर जो मिल था उसने उसके अगेंस्ट किया, उसने जो द व्यूज हेल्ड बाई ओरिएंटलिस्ट वेर सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाई मिल. मिल ने कहा कि नहीं इनको यहाँ की नॉलेज पढ़ाओ ही मत, जिस चीज़ को ये रेस्पेक्ट करते हैं वो मत पढ़ाओ इनको, इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन प्लेस इन देयर हार्ट, उनकी उनके दिल में जगह बनाने के लिए या उनको खुश करने के लिए आप ये पढ़ा रहे हो, ये मत पढ़ाओ आप. द एम ऑफ एजुकेशन ought to be to teach what was useful and practical. आप उनकी मर्जी छोड़ो, आप ये सोचो कि फ़ायदेमंद क्या है और ठीक क्या है, वो पढ़ाओ इनको, ठीक है. तो भरोसा वो बिलीव वो यही करते थे कि खाली इंग्लिश नॉलेज फ़ायदेमंद है. सो इंडियन शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड. तो वो ये बिलीव करता था कि लिहाजा इंडियन उसको उस चीज़ से वाकिफ कराओ, उनको वो नॉलेज पढ़ाओ
जिसमें एडवांस्ड साइंस है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, वो पढ़ाओ। वेस्ट ने जो तरक्की की है वो इनको बताओ, वो इनको पढ़ाओ, इनको अपनी नॉलेज मत पढ़ाओ। रादर देन विद द पोएट्री एंड सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट, आप इनको यहाँ के मुकद्दस लिटरेचर पढ़ा रहे हो, यहाँ की पोएट्री पढ़ाते हो, वो मत पढ़ाओ। इनको साइंस और डेवलपमेंट जो वेस्ट की है वो पढ़ाओ। यानी वो यहाँ को, जिसको आप कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन, वो इसको यहाँ को वेस्टर्नाइजेशन कराना चाहते थे। वो इंडियन उसको एशिया को अपनी तरफ, अपने तरह की बनाने चाहते थे। यानी यहाँ की जो सेक्रेड लिटरेचर है, यहाँ की रिलीजियस बुक्स हैं, यहाँ की पोइट्री शायरी वगैरह है, उसको वो डिस्करेज यहाँ कराना चाहते थे। बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट्स बिकेम शार्पर। अब 1830 आसपास जो है, इस साल के आसपास ओरिएंटलिस्ट्स पे अटैक ज़्यादा होने लगे। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स वॉज ऑफ द टाइम वॉज थॉमस बेबिंगटन मैकाले। मैकाले जो है सबसे ज़्यादा क्रिटिक था, वो ओरिएंटलिस्ट उसको बिल्कुल डाउनग्रेड करता था, डिस्करेज करता था। वो सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल था और क्रिटिक था इनका, ओरिएंटलिस्ट का, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। मैकाले इसको शॉर्ट में आप कह सकते हो। ही वॉज फर्स्ट ही सा इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीड टू बी सिविलाइज्ड। अब मैकाले का कहना था कि इंडिया जो है ये अनसिविलाइज्ड है, इसको सिविलाइज्ड बनाना है। तो वो इंडिया को अनसिविलाइज्ड मानता था, क्योंकि वो कहता था कि यहाँ की नॉलेज अनसिविलाइज्ड है, यहाँ के टेक्स्ट अनसिविलाइज्ड है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू वॉट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। अब वो कहता था कि यहाँ की ईस्टर्न नॉलेज की कोई शाख ही ऐसी नहीं है जो हमारे इंग्लैंड के सब्जेक्ट्स के बराबर हो। इंग्लैंड की जो जो हमने इंग्लैंड में प्रोड्यूस किया है उसके बराबर यहाँ की कोई नॉलेज ही नहीं है। यानी वो इसको यहाँ की नॉलेज इसको ह्यूमिलेट करता था। अब देखिए, ये है थॉमस बेबिंगटन मैकाले जो है, ये वो है जो यहाँ के लिटरेचर को नफरत की नज़र से देखता था। अब ये देखिए यहाँ पे मैकाले, हाँ, व्हाट वी हु कुड डिनाई, डिक्लेयर्ड मैकाले, दैट मैकाले का कहना है कि कौन इस चीज़ से इनकार करता है, या आपका कुछ का इनकार। देखिए, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए इसने क्या लिखा था, ये क्या लिखता था मैकाले। योस वनान ही कहता, ही यूज टू से, तो कहता था कि ए सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, यूरोपियन लाइब्रेरी का एक शेल्फ जो है वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिया। जो इंडिया और अरबिया का, अरब का पूरा सारा लिटरेचर है वो हिंदुस्तान के उसके बराबर, जो हमारा यूरोप का एक शेल्फ है। यानी खाली हमारे एक शेल्फ पे रखी हुई चंद किताबें इंडिया और अरबिया के पूरे लिटरेचर के बराबर है। देखिए कितनी वो इसको डाउनग्रेड करता था और अंडर एस्टिमेट करता था अरबिया का और इंडिया का लिटरेचर। ही अर्ज्ड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग। तो वो जोर देकर कहता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पैसा ज़ाया कर रही है, जो यहाँ के ओरिएंटल लर्निंग पे खर्चा कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ये फजूल में ये पैसा ज़ाया करती है। फॉर इट वॉज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज़, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल यूज़ कोई नहीं है, वो कहता था। नाउ विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकाले एम्फसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। तो बड़ा जोर दे के, बड़ा एनर्जी दे के, बड़े मतलब वो बोल्डली वो ये कहता था कि इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे प्रमोट करना है। वो जोर दे के कहता था कि यहाँ हमें ज़रूरत है इंग्लिश नॉलेज को प्रमोट करने की, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने की। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। तो वो कहता था, उसको लगता था कि इंग्लिश नॉलेज पढ़ने से इंडियन को मौका मिलेगा कि वो बाकी वर्ल्ड जो है वहाँ का फाइनेस्ट लिटरेचर जो है वो पढ़ने का उनको मौका मिलेगा। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। तो दूसरा वो कहता था कि वेस्ट में साइंस और फिलॉसफी की जो डेवलपमेंट हुई है और वहाँ पे जो प्रोग्रेस हुई है साइंस और फिलॉसफी की, ये पढ़ने का मौका इंडियंस को मिलेगा इंग्लिश के ज़रिए से। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड हैव दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल। तो
तो इस तरह से वो कहता था कि इंग्लिश पढ़ाने से हम लोगों को सिविलाइज बना देंगे, सिविलाइज्ड बना देंगे इंग्लिश पढ़ाने से, चेंजिंग देयर टेस्ट, उनका टेस्ट बदल जाएगा, वैल्यूज एंड कल्चर्स, उनका रहना सहना, उनका उनके रस्म व रिवाज बदल जाएंगे। फॉलोइंग मैकॉलेज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब मैकॉले की ये जो थियोरी थी, इतना जो उसने बताया, उसको देख के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया गया 1835 में, एक एक्ट, एक कानून पास किया गया, दैट वॉज कॉल्ड एज इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में। मैकॉले की यही फिलॉसफी को देख के ये एक्ट पास किया गया। तो ये इसलिए पास किया गया कि अब हम इंग्लिश नॉलेज ही पढ़ाएंगे यहाँ इंडिया में। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। तो इसका डिसीजन ये हुआ, फैसला ये किया गया कि इंग्लिश अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाया जाएगा हायर एजुकेशन में, खाली इंग्लिश ऑफ इंग्लिश जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, यानी साइंस पढ़ेंगे इंग्लिश में होगा, हिंदी में अब कुछ नहीं होगा, जो मैथ्स होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, वह इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ के ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको प्रमोट करना बंद किया जाएगा। लाइक जो उन्होंने कलकत्ता में मैड्रेसा बनाया था, या बंगाल में संस्कृत का कॉलेज बनाया था, बनारस में संस्कृत का कॉलेज बनाया था, यानी इनको अब प्रमोट करना बंद कर दिए, क्योंकि ये इनके खिलाफ था। दीज इंस्टीट्यूशंस वेयर सीन एज ए As temples of darkness that were falling, हाँ, of themselves into decay. अब जो है इनको कैसे देखा जाता था, these were seen as the temples of darkness. इनको कहा जाता था कि ये अंधेरे के मंदिर हैं, that were falling to them of themselves into decay. वो खुद ही खराब हो जाएंगे, वो खुद ही खस्ता हो जाएंगे, वो खुद ही बंद हो जाएंगे। ये temples हैं, मंदिर हैं, लेकिन अंधेरे के मंदिर हैं, ये नहीं चलने वाले हैं, ये इस तरह से उनको सोचता था। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगेन टू बी प्रोड्यूस्ड इन फॉर स्कूल, अब स्कूलों के लिए इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। देखिए, इसके लिए एक सोर्स है, उस वक्त की एक लेटर है, एक राइटिंग है उस वक्त की, इसका सबूत जो है लैंग्वेज ऑफ द वाइज, ये टॉपिक है। देखिए, उस वक्त की ये जो है एक सोर्स है। एम्फेसाइजिंग द नीड टू टीच इंग्लिश, मैकॉले डिक्लेयर्ड, इंग्लिश नॉलेज को एम्फेसाइज करना, इसको पढ़ाने के लिए मैकॉले ने जोर देकर ये कहा। क्या कहा? ऑल पार्टीज सीम टू बी एग्रीड ऑन वन पॉइंट, उसने कहा कि लगता है कि सभी पार्टियां एक पॉइंट पे राजी हो गई हैं। किस पॉइंट पे? दैट द डायलेक्ट कॉमनली स्पोकन अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया, कि जो कॉमनली स्पोकन यहाँ की लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वो डायलेक्ट जो है, वो लैंग्वेज जो है, कंटेन नाइदर लिटरेरी नॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, उसमें ना लिटरेरी इंफॉर्मेशन है ना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, ना लैंग्वेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना साइंस से, यानी यम ये लैंग्वेज पर्ना इंडिया मजमो कोर अंग्रेज गए अत पे मुतफिक गए सारी अत पे मुतफिक युक लिटरेचर कहें एंड आर मोर ओवर और ये पुअर एंड र्यूड है और ये पुअर है, गरीब लिटरेचर है, यानी इसमें कोई रिचनेस नहीं है, इसमें वोकेबलरी नहीं है, मैं सुन एयर वर्ड की ऐसे चीज र्यूड लैंग्वेज है ना सच और कहीं, दैट दे नीड दैट अंटिल दे आर एनरिच्ड टू फ्रॉम सम अदर क्वार्टर, यूतान ये एनरिच करो, यूतान अत बेकह चीज सत्य रलाओ, यानी उम ऐसा ना इंग्लिश रलाओ सत्य अत बन यह असल लैंग्वेज। It will not be easy to translate any valuable work into them. لہذا نہ ہیکو نہ کہیں چیز اس اتھ مز ٹرانسلیٹ کرتھ اس دفعہ اس کرو انگلش ہندی اس مز ٹرانسلیٹ یل ہندی زبانی اور اس امے سمجھا اس کرو کہیں چیز عربک اس مز ٹرانسلیٹ یا پرشن اس مز امے تے پرشن انگلش عربک وغیرہ پرشن اردو عربک وغیرہ ہندی وغیرہ ام چیز اصل زبانی ماننی کی فرام تھامس بیونگٹن مکالے منٹ اف 2 فروری 1835 ऑन इंडियन एजुकेशन। तो ये इसने मैकॉले का जो मिनट है, एक मिनट जो एक पॉइंट है इसका, ये उन्होंने 1835 में दिया था। ठीक है, तो चलिए, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।